आईपीएल 2022 के लिए रिटेन प्लेयर्स के लिए जारी करने का समय बेहद करीब है। फ्रेंचाइजियों ने अभी तक अपने पत्ते साफ नहीं किए हैं, लेकिन रिटेंशन से जुड़ी खबरें छन छन कर बाहर आने लगी हैं। लेटेस्ट न्यूज की माने तो ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ, दिल्ली ने कई बड़े प्लेयर्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और ऋषभ पंत को रिटेन करने का फैसला किया है। ऐसे में यकीनन ऋषभ पंत ही 2022 में दिल्ली की कैप्टेंसी करते हुए दिखाई देंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट। आईपीएल 2022 से पहले खिलाड़ियों को रिटेन करने की कवायद शुरू हो गई है। दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2022 के लिए रिटेन किए 4 खिलाड़ियों के नाम का ऐलान किया था, जिसमें ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ, अक्षर पटेल और एंड्रेस नाडजे के नाम शामिल हैं। दिल्ली ने शिखर धवन और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ियों को रिटेन नहीं किया है और बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दिल्ली फ्रेंचाइजी ने ओपनर बल्लेबाज पृथ्वी शॉ, आईपीएल 2021 में टीम के कप्तान रहे विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल और तेज गेंदबाज एंड्रिज को अपनी टीम में बनाए रखा है। दिल्ली ने शिखर धवन, कगिसो रबाडा, अजिंक्य रहाणे, स्टीव स्मिथ, मार्कस स्टोइनिस, शिमरॉन हेटमायर, अश्विन जैसे खिलाड़ियों को रिटेन नहीं करने का फैसला किया है। वैसे अश्विन ने अपने YouTube चैनल पर बता दिया था कि दिल्ली की टीम उन्हें रिटेन नहीं करेगी। वहीं दिल्ली फ्रेंचाइजी ने ऋषभ पंत को अपनी टीम में रिटेन करके ये तो साफ कर दिया है कि इस टीम के कप्तान वो ही बने रहेंगे। हालांकि आईपीएल 2022 के लिए जो मेगा ऑक्शन होगा उसमें टीम के साथ कई खिलाड़ी जुड़ेंगे, लेकिन ऋषभ पंत ने जिस तरह से सीजन में टीम की कप्तानी की और उन्हें रिटेन किया गया, उससे तो यही लगता है कि फ्रेंचाइजी उन्हें लॉन्ग टर्म कप्तान के रूप में देख रही है। आईपीएल 2021 में ऋषभ पंत की कप्तानी में दिल्ली की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्लेऑफ में जगह बनाई थी, लेकिन वो फाइनल में पहुंचने से चूक गई। आईपीएल 2020 में दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर थे और ये टीम फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन खिताब जीतने से चूक गई। टीम के कप्तान रहे श्रेयस अय्यर को रिलीज कर दिया गया है। इसकी वजह यह है कि वो टीम की कप्तानी करना चाहते थे, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स का मैनेजमेंट पंत को कप्तान बनाए रखना चाहता है। पंत ने आईपीएल 2021 में दिल्ली की कप्तानी की थी और इस सीजन के पहले हाफ में अय्यर चोट के चलते खेले नहीं थे। ऐसे में पंत को मुखिया बनाया गया था। उनके नेतृत्व में टीम ने प्लेऑफ तक का सफर तय किया था। वहीं अय्यर 2 सीजन से कप्तान थे। उनकी कप्तानी में दिल्ली की टीम एक बार प्लेऑफ तो एक बार फाइनल में पहुंची थी। अब श्रेयस को बाहर करके दिल्ली ने साफ संकेत दे दिए हैं कि उनके भविष्य के कप्तान ऋषभ पंत ही होंगे। ऋषभ पंत का आईपीएल 2021 में बतौर कप्तान अच्छा प्रदर्शन तो रहा ही था, इसके अलावा बतौर बल्लेबाज भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था। इस सीजन के 16 मैचों में उन्होंने 419 रन बनाए थे और 3 अर्धशतकीय पारी खेली थी। आपको बता दें कि आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले रिटेंशन की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। इस तारीख तक सभी टीमों को अपने रिटेन किए हुए खिलाड़ियों की जानकारी देनी है। एक टीम अधिकतम 4 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है और इस बार राइट टू मैच कार्ड भी नहीं रहेगा, यानी कोई खिलाड़ी ऑक्शन में गया तो उसे दोबारा अपने साथ लेने के लिए खरीदना ही पड़ेगा।